हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्य मारिया। आज का हमारा टॉपिक है जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड की कैटेगरी कितने कैटेगरी में उसको किया गया है, जैसे मोड ऑफ एंट्री हो गया, मोड ऑफ एक्शन हो गया, और बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, मिसलेनियस कंपाउंड, और साथ ही साथ बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी। तो हम बात कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड के बारे में चर्चा करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड क्या है कि दोज केमिकल विच आर यूज टू किल द इंसेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। जो भी रसायन, जो भी केमिकल इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किया तो उसको हम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड जो कहते हैं। इसके साथ इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन किसमें, किस कैटेगरी के 5 भागों में बांटा गया है, जैसे हम देख लेते हैं आपका बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी। ये पहला कैटेगरी है टॉक्सिसिटी के आधार पर। दूसरा जो है कि आपका जो है कि मोड ऑफ एंट्री के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तीसरा जो है कि आपका मोड ऑफ एक्शन के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, किसका, इंसेक्टिसाइड का। तो उसके बाद नेक्स्ट है चौथा, आप कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन केमिकल नेचर के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। और पांचवा हम रख लेते हैं मिसलेनियस कंपाउंड। अब देख लेते हैं मिसलेनियस कंपाउंड अब क्या है। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी, उसके बाद मोड ऑफ एंट्री के आधार पर, बेस्ड ऑन एक्शन के मोड ऑफ एक्शन के आधार पर, इसके साथ केमिकल नेचर के आधार पर, और मिसलेनियस कंपाउंड के ग्रुप में बांटा गया। तो इंसेक्टिसाइड को ये 5 हम ग्रुप में बांट लिए हैं। तो अब इसमें क्या है, आज हम चर्चा करते हैं जो है कि बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी और मोड ऑफ एंट्री के आधार पर हम इंसेक्टिसाइड का जो है कि क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हमारा जो है कि पॉइंट है आपका बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी और मोड ऑफ एंट्री के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी के आधार पर हम देखते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी के आधार पर देखते हैं, जैसे क्या है इसमें कि आपका एक्सट्रीमली टॉक्सिक, क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक। इसके साथ आपका हाईली टॉक्सिक इसके बाद होगा। इसके साथ तीसरा मॉडरेटली टॉक्सिक होगा, ठीक है। इसके बाद चौथा जो होगा वो आपका स्लाइटली टॉक्सिक। और नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकली टॉक्सिक। और नेक्स्ट हो जाएगा इसके बाद आपका रिलेटिवली टॉक्सिक। तो इसके आधार पर, टॉक्सिसिटी के आधार पर, टॉक्सिसिटी को क्लासिफाई किया एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली, मॉडरेटली, स्लाइटली, प्रैक्टिकली और रिलेटिवली। अब हम इनकी, इनका जो क्लासिफाई किया गया है, इनका नाम जो रखा गया है वो उसमें जैसे देख लेते, उनकी टॉक्सिसिटी भी डिफरेंट टाइप की, जैसे क्या है, इसको हम LD50 वैल्यू सबका अलग होता है, इसका LD50 के आधार पर, किसके आधार पर, LD50 मीन्स होता है लीथल डोज 50। अब क्या है, जैसे इसमें देख लेते एक्सट्रीमली टॉक्सिक, इसका LD50 वैल्यू क्या होता है, 1 से 5 होता है, और हाईली टॉक्सिक का LD50 वैल्यू क्या होता है, 5 से लेकर 50 होता है। इसके साथ मॉडरेटली टॉक्सिक का LD50 वैल्यू क्या होता है, 50 से लेके 500, और इसका LD50 वैल्यू 500 से लेके आपका 5000 होता है। इसके साथ नेक्स्ट इसका LD50 वैल्यू जो है आपका LD50 इसका आपका 5000 से लेके 15000 होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसका LD50 वैल्यू आपका ग्रेटर देन 15000 होता है। तो ये हमारा उसका, इन सभी जो टॉक्सिक है उनके LD50 वैल्यू ये हमने दे रखा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि
जो LD50 क्या है, LD50 मीन्स लीथल डोज 50, मीन्स कह सकते हैं कि जब भी किसी इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किया करेंगे इंसेक्ट की पॉपुलेशन को, तो वह 50% पॉपुलेशन को ही किल करने के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होता है। तो LD50 वैल्यू ये क्या करेगा, 50% पॉपुलेशन को ही किल करेगा। तो अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका कलर पूछता है कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक का किस कलर के लेबल से शो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रेड कलर से शो किया था, रेड कलर लेबल से शो किया था रेड कलर। इसके साथ आपका नेक्स्ट है येलो कलर, इसके साथ ब्लू कलर, ब्लू कलर, इसके साथ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर होता है। तो याद है कि आपका रेड कलर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, जिसके LD50 वैल्यू 1 से 5 होता है, और इसको रेड कलर से शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा हाईली टॉक्सिक होता है, इसका LD50 वैल्यू आपको 5 से 50 होता है, इसको येलो कलर से शो करते हैं। इसके साथ मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, जिसका LD50 वैल्यू 50 से 500 होता है, इसको ब्लू कलर लेबल से शो करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट है स्लाइटली टॉक्सिक, स्लाइटली टॉक्सिक जिसका LD50 वैल्यू 500 से लेके 5000 होता है, और इसको ग्रीन कलर लेवल से शो करते हैं। तो अब इसका प्रैक्टिकली टॉक्सिक LD50 वैल्यू 5000 से 15000 होता है, और रिलेटिवली टॉक्सिक का LD50 वैल्यू 15000 से अधिक होता है। तो अब ये क्या है कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक, जैसे किसी हम केमिकल का, इंसेक्टिसाइड का, हम जो कि डिब्बे को देखते हैं, डिब्बे में एक ट्राइंगल ये ऐसा शेप बना होता है, तो शेप में देखते हैं अगर रेड कलर से शो हुआ है तो समझ जाते हैं कि वह आपका एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। अगर आपका जो है कि येलो कलर से शो होता है तो उसको हम बोलते हैं ये हाईली टॉक्सिक है। इसके साथ ही आपका अगर ट्राइंगुलर से ऐसे लेबल बना होता है, उसके बाद अगर ये ब्लू कलर का होता है, नीचे का ब्लू कलर से किया गया होता है, तो वो आपका जो है कि मॉडरेटली टॉक्सिक होता है। अगर ट्राइंगुलर जो है कि आपका ग्रीन कलर से होगा तो आपका वह स्लाइटली टॉक्सिक हो। तो ये क्या हो गया, बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी के आधार पर, एक्सट्रीमली टॉक्सिक रेड कलर से शो करते हैं हाईली टॉक्सिक को, येलो कलर से शो करते हैं मॉडरेटली टॉक्सिक को, ब्लू कलर से शो करते हैं स्लाइटली टॉक्सिक को, ग्रीन कलर से शो करते हैं। तो ये हमारा इंसेक्ट का, इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी के आधार पर हो गया। अब हम इसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ एंट्री के आधार पर इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन। तो मोड ऑफ एंट्री के आधार पर इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो मोड ऑफ एंट्री के आधार पर इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या है। जैसे तो हम आगे बात करते हैं मोड ऑफ एंट्री के आधार पर इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन। तो आप इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एंट्री के आधार पर देख लेते हैं कि इसमें क्या आता है, स्टमक पॉइजन, स्टमक पॉइजन, स्टमक पॉइजन हो गया। अब स्टमक पॉइजन किसे कहते हैं कि दोज केमिकल विच आर एंटर इनटू द इंसेक्ट बॉडी थ्रू द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल के जरिए इंसेक्ट की बॉडी में एंटर होते हैं, ऐसे पॉइजन को हम स्टमक पॉइजन बोलते हैं। वे इंसेक्ट के स्टमक को या आपके इंसेक्ट के इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसको हम स्टमक पॉइजन बोलते हैं। इसका यूज बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के लिए यूज किया था, बाइटिंग चिविंग टाइप माउथ पार्ट, बाइटिंग चिविंग माउथ पार्ट, माउथ पार्ट जो है कि जिस इंसेक्ट का बाइटिंग एंड चिविंग टाइप माउथ पार्ट होता है, उनके लिए हम स्टमक पॉइजन यूज करते हैं। इसके साथ स्टमक पॉइजन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आपका बैसिलस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, थ्यूरिनजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इसमें कॉन्टेक्ट पॉइजन के, सॉरी स्टमक पॉइजन के रूप में यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइजन, कॉन्टेक्ट पॉइजन। अब कॉन्टेक्ट पॉइजन किसे कहते हैं कि ऐसा पॉइजन जो कॉन्टेक्ट के कॉन्टेक्ट जिसके ऐसा पॉइजन जिसके कॉन्टेक्ट में आने के पश्चात इंसेक्ट किल हो जाते हैं। तो जैसे कॉन्टेक्ट पॉइजन क्या है, जब किसी कॉन्टेक्ट पॉइजन को हम प्लांट के सरफेस पे स्प्रे करते हैं, डस्टिंग करते हैं,
तो वे प्लांट के सरफेस पे पड़े होते हैं। जैसे ही इंसेक्ट फीड करने जाता है तो वह इंसेक्ट उस केमिकल के कांटेक्ट में आता है और वह किल हो जाते हैं। तो ऐसे केमिकल को हम कांटेक्ट पॉइजन बोलते हैं, कांटेक्ट पॉइजन बोलते हैं। और ये कांटेक्ट पॉइजन ये इंसेक्ट की बॉडी में उसके इंसेक्ट के एंटोपमेंट और स्पाइरिकल के थ्रू उनके बॉडी में एंटर करते हैं और उनको किल करते हैं। ठीक है, इसके साथ कॉन्टेक्ट पॉइजन एंटोगमेंट और स्पाइरिकल के थ्रू इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करते हैं। अब कॉन्टेक्ट पॉइजन जो है आपके पियर्सिंग एंड शकिंग माउथ पार्ट। तो पियर्सिंग एंड शकिंग माउथ पार्ट वाले इंसेक्ट को किल करने के लिए हम कॉन्टेक्ट पॉइजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका जो कॉन्टेक्ट पॉइजन है उसका एग्जांपल क्या हो जाता है, जैसे फेनवर्लेट आपका एग्जांपल ले लेते हैं। तो फेनवर्लेट इसका एग्जांपल कॉन्टेक्ट पॉइजन को हो गया और ये पियर्सिंग और सकिंग टाइप माउथ पार्ट वाले इंसेक्ट को किल करने के लिए आपको कॉन्टेक्ट पॉइजन यूज किया जाता है। और ये इंसेक्ट की बॉडी में उनके एंटोगमेंट और स्पाइरिकल के थ्रू उनके बॉडी में एंटर करते हैं, उनको किल करते हैं। तीसरा हमारा जो ग्रुप है फ्यूमिगेंट्स होता है। अब फ्यूमिगेंट्स क्या है कि जो केमिकल या दोज केमिकल विच आर इन द गैसियस स्टेट, ठीक है, वो क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में जो केमिकल या रसायन होते हैं उनको हम फ्यूमिगेंट्स की जो कैटेगरी में रखते हैं। वे क्या होते हैं कि इंसेक्ट की बॉडी में इंसेक्ट की बॉडी में उनके ट्रेकियल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, उनके ट्रेकियल सिस्टम को जो है कि नष्ट करते हैं और इनका गैसियस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट की बॉडी में ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू ट्रेकिया के जारी थ्रू उनके बॉडी में पहुंचेंगे और ट्रेकियल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये इस प्रकार के केमिकल स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट को किल करने के लिए यूज किया जाता है फ्यूमिगेंट्स का। इसके साथ ही आपका फ्यूमिगेंट्स में एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यूज किया जाता है फ्यूमिगेंट्स के रूप में स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट को किल करने के लिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो है ग्रुप वो आपका सिस्टेमिक पॉइजन। अब सिस्टमिक पॉइजन किसे कहते हैं कि जब हम केमिकल को स्प्रे करते हैं प्लांट सरफेस पे या सॉयल के जरिए एब्जॉर्ब किया जाता है तो वह केमिकल वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू पूरी प्लांट की बॉडी पहुंचता है और उनके जरिए इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करता है। तो ऐसे पॉइजन को हम सिस्टमिक पॉइजन के ग्रुप में रखते हैं या सिस्टमिक पॉइजन कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टमिक पॉइजन बोलते हैं। तो जो केमिकल प्लांट के सरफेस पे पहुंचता है, प्लांट के सरफेस से स्प्रे करते हैं या सॉयल के जरिए एब्जॉर्ब किया जाता है तो उस केमिकल को वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में, प्लांट के पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। तो और उसके थ्रू बॉडी में पहुंचा दिया जाता है और वह केमिकल इंसेक्ट जब फीडिंग करने आता है तो इंसेक्ट की बॉडी में पहुंचता है और वहां पे इंसेक्ट को किल करता है। तो इस नेचर के पॉइजन को हम सिस्टमिक पॉइजन बोलते हैं, सिस्टमेटिकली रूप से वर्क करते हैं। ऐसे पॉइजन को हम सिस्टमिक पॉइजन के ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेटासिस्टॉक्स यूज किया जाता है। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एंट्री के आधार पर इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन हो गया। इसके पहले हमने बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी के आधार पर इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन देखा। तो आज का ये हमारा जो है कि वीडियो ये मैटर हमारा समाप्त हुआ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।